हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल। आज हम बात करेंगे द मोस्ट रीसेंट टॉपिक के बारे में, जो यस्टरडे कल ही पास हुआ है लोकसभा में। दैट इज द मोस्ट फेमस एनसीबीसी बिल। आई अश्योर यू दैट ऑल ओवर इंटरनेट दिस इज द फर्स्ट वीडियो व्हिच इज कवरिंग द मोस्ट अप टू डेट इंफॉर्मेशन ऑन एनसीबीसी। तो आइए जानते हैं कि एनसीबीसी क्या है, एनसीबीसी बिल के बारे में, क्या ये बिल पिछली बार भी लोकसभा में आया था, और अगर जो आप में से लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं तो वो जानते होंगे कि ये बिल पिछली बार भी राज्यसभा से भी पास हो गया था। तो सर, अगर कोई बिल राज्यसभा से पास हो जाता है फिर भी वो बिल एक्ट नहीं बनता, मतलब वो लॉ नहीं बना। जो बिल पिछली बार राज्यसभा में पास हो गया था वो आज 2018 में फिर से लोकसभा में आया है। हम इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। लेट्स गो अहेड। सबसे पहले देखते हैं कि एनसीबीसी क्या चीज है। तो बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, आप इसे एक संस्था मान के चलें, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है। बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगा। इसका गठन हुआ था, इनकॉर्पोरेशन हुआ था 14 अगस्त 1993 को। इट इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993। तो दोस्तों, आप एक बात जानिए, हम अगर देखें कि सोसाइटी में किस तरह के लोग हैं, एक हम कहते हैं जनरल कैटेगरी, एक हम कहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, वो लोग जिन्हें सोसाइटी ने दबाया है, एक हम कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, एंड जो लोग इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आते उन्हें क्लासिफाई करते हैं एज अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये मेरी नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्लासिफिकेशन है। सो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एज ऑन डेट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एग्जिस्ट करता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए नेशनल कमीशन फॉर स्टेट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एग्जिस्ट करता है, बट ओबीसीज के लिए एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है जितना एससी एंड एसटी का नेशनल कमीशन एग्जिस्ट करता है। सो एक बात तो क्लियर हो गई कि एनसीबीसी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इंडिया में। ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसके अभी मिनिस्टर हैं डॉक्टर थावरचंद गहलोत, जो आपने न्यूज़पेपर में, न्यूज़ आर्टिकल्स में बहुत सुना होगा इनके बारे में। एनसीबीसी का गठन हुआ था, कोई ऐसा नहीं कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आया था या कोई पहले से पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था। ये पास हुआ था आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ इंदिरा साहने। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाए दैट विल लुक इनटू द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ओनली। देयरफॉर एनसीबीसी जो अभी एग्जिस्ट करता है 1993 एक्ट का, उसका काम सिर्फ इतना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एडवाइस करना कि कौन कौन सी वो कास्ट हैं, कौन कौन सी वो कम्युनिटी हैं जो बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट में, जिनका इंक्लूजन होना चाहिए, जिनका एक्सक्लूजन होना चाहिए। ये सारा डेटा आपको ऑफिशियल एनसीबीसी की वेबसाइट से मिल जाएगा। ये सारी डिटेल्स एज पर सुप्रीम कोर्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड एनसीबीसी की साइट से सारा डेटा मैंने पिक किया है। यही अगर हम ये बात देखें कि एनसीबीसी का काम अगर इतना लिमिटेड है कि जस्ट टू लुक इनटू इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, सो जो बाकी के जितने भी मैटर्स, रिलेटेड मैटर्स हैं, वो सारे आज की डेट में भी गवर्न हो रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। सर, ऐसा कैसे, जब तीन अलग कमीशंस बने हैं फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस, सो बैकवर्ड क्लासेस का बाकी मटेरियल वाला काम एनसीएससी के पास क्यों जा रहा है, एनसीबीसी के पास क्यों नहीं जा रहा? ये बात कुछ समझ नहीं आई। सो इस बात को हम बड़ा इन डेप्थ में स्टडी करेंगे, एंड अब आपको समझ आएगा इस
कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को ठीक करने के लिए ये बिल पास किया गया है एंड इसी के लिए इतने सालों से इसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी. दैट इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ दीज क्लासेस दीज कम्युनिटीज मोर इफेक्टिवली. देर इज अ नीड टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू एनसीबीसी. इसका क्या मतलब है आपको 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा. थोड़ी सी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए ताकि हम इस कंसेप्ट को इजीली समझ पाए. न्यूज आर्टिकल्स में इतना क्लैरिटी नहीं आ रही तो आपको ये चार्ट देखना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले हम देखें कि जिस कम्युनिटी को जनरल सोसाइटी में थोड़ा दबाया गया है उस सोसाइटी के वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं. ये इनिशिएटिव्स स्टार्ट हुए थे फ्रॉम द पीरियड 1987. तब एक कमीशन का गठन हुआ था फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. 1992 में इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था. देखिए सर, कोई भी चीज इंडिया में तब तक उसको फुल पावर नहीं मिल सकती जब तक उसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग ना हो. सो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया वाया 65th अमेंडमेंट इन 1992, जिसमें क्रिएशन हुआ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCSCST. सो इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया. इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के में एक अलग से आर्टिकल इंसर्ट किया गया जिसमें डिटेल्ड प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिख दिए गए. यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक अलग से लॉ बनाया उसमें पार्लियामेंट में इस लॉ को अमेंड कर लिया या उसको इजीली चेंज कर लिया. एक प्रॉपर डिटेल्ड फ्रेमवर्क बनाया गया विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन जिसे आपके एक राइट्स आपको दिए गए जो पूरी कंट्री में सारी कम्युनिटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेगा. ठीक है सर, 1987 में एक कमीशन बनता है, 1992 में उसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिल जाती है. बहुत ध्यान से देखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिली है टू नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. अभी तक बाकी की बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात नहीं हुई है. सो 1992 में एक बहुत फेमस जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की इन इंदिरा साहने केस, जिसमें गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन मिलती है कि एक परमानेंट बॉडी बनाई जाए जो ये देखेगी कि बाकी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जैसे बहुत सारी दूसरी दूसरी बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको जो रियली जो डिजर्व करते हैं उनकी प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट्स के लिए कौन कौन सी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो इंक्लूड होनी चाहिए एंड एक्सक्लूड होनी चाहिए गवर्नमेंट की इंसेंटिव्स में एंड स्कीम्स में. उसके बाद 1993 में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से, प्लीज बी वेरी केयरफुल विद माय वर्ड्स, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे पार्लियामेंट ने पास किया एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 एंड कॉन्स्टिट्यूटेड द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC. तो अभी तक यहाँ पे हमें एक चीज समझ आ गई है कि NCBC बिल जो आजकल आ रहा है उसको आप 2 मिनट साइड पे रखें. NCBC एज ऑन डेट इंडिया में है, 1993 के एक्ट से गवर्न हो रहा है, बट उसके पास थोड़ी लिमिटेड पावर्स हैं, लिमिटेड स्कोप है एंड जो बैकवर्ड क्लासेस का बाकी का जो मटेरियल उसमें वर्क हो रहा है वो शेड्यूल्ड कास्ट के नेशनल कमीशन से हो रहा है. उसके बाद देखें, ठीक 10 साल के बाद 1993 में एक 89th अमेंडमेंट करी जाती है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया जाता है 338 कैपिटल ए. जब भी आपको देखे कैपिटल 8, इसका मतलब आप समझें कि कोई इंसर्शन हुई है बाद में. सो जो हमने आर्टिकल पढ़ा था जिसने नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कवर थे NCSCST, नाउ दे वर बाइफरकेटेड इनटू NCSC एंड NCST, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स. एंड यहाँ NCSC को मैंडेट कर दिया गया to look into the grievances and complaints of backward classes also. देखिए यहाँ पे हमने scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes की हम बात कर रहे हैं. इनके लिए constitution में ही हमने एक अलग से एक machinery दी है इन्हें by way of national commission, so that
जो भी इनकी ग्रीवियंसेस हैं, कंप्लेंट्स हैं, उन्हें स्पीडी बेसिस पे विद बेटर गवर्नेंस रिजॉल्व कर दिया जाए। सो अब अगर आप ये बात देखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी शेड्यूल्ड कास्ट को मिल गई है, इसका आर्टिकल है 388, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मिल गई है वाया आर्टिकल 388 कैपिटल ए, बट व्हाट अबाउट द अदर क्लासेस? सो इस बारे में चल रहा है पूरा एनसीबीसी बिल जो लोकसभा में कल ही पास हुआ है। अब आई थिंक आप एक मोटा मोटा ब्रॉड फ्रेमवर्क समझ गए हैं, अदरवाइज मेनी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो रही थी कि अगर एनसीबीसी बिल पहले से अगर एनसीबीसी सिचुएटेड है तो एनसीबीसी बिल नया क्या आ रहा है। सो जो नया एनसीबीसी बिल आने का आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में एनसीबीसी के पूरे प्रावधान बनाएंगे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ताकि कोई एक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से, एनसीबीसी अपने रूल्स बना पाएगा सो दैट जो भी बैकवर्ड अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका सारा का सारा ग्रीवियंसेस एंड कंप्लेंट्स सीधा अब डायरेक्टली एनसीबीसी के अंडर आ जाएं। सो ये हो रहा है बाय कॉन्स्टिट्यूशन 123rd अमेंडमेंट। आपने कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है कि जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी अमेंडमेंट करी गई थी, आपने मुझे नंबर बताना है। सो अगर आप ये बात देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन 123rd अमेंडमेंट बिल 2017, इट सीक्स टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी टू एनसीबीसी वाया आर्टिकल 333B एंड 342A। सो अब तक हमने देखा कि एनसीबीसी एग्जिस्ट करता है इंडिया में। आई एम रिपीटिंग बिकॉज स्टूडेंट्स को इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रही है एंड आई डोंट वॉन्ट इस वीडियो के बाद आप अपना एक मिनट भी स्पेंड करें, एंड अगर मेंस में क्वेश्चन आए तो आप इसके ऊपर डिटेल्ड पेजेस पे आप इसके ऊपर लिख पाए। सो एनसीबीसी एग्जिस्ट करता है इंडिया में, उसको मोर फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, मोर पावर्स देने के लिए अब हम एक लाए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे कहते हैं 123rd, जिसका अब क्या होगा, इसको लाने के बाद NCBC का जो स्टेटस आ जाएगा दैट विल बिकम एट पार विद NCSC एंड NCST एंड NCBC शैल बी एबल टू एग्जामिन कंप्लेंट्स एंड वेलफेयर मेजर्स फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। दिस मींस दैट कंप्लेंट्स एंड वेलफेयर मेजर्स बहुत स्पीडली हो पाएंगे एंड दिस विल लीड टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। अलॉन्ग विद दिस एक एनसीबीसी रिपील बिल 2017 भी पास किया जाएगा एज अ कंसीक्वेंट मेजर। आप ये बात देखें कि अगर हम जो प्रोविजंस इस टाइम एनसीबीसी एक्ट के अंदर दिए हुए हैं हम वो प्रोविजंस लिख देंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे एनसीबीसी को पावर मिलेगी ज्यादा। सो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज आ जाती है उसके लिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिटेल्ड प्रावधान लिख देते हैं सो वी डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ एक्ट एनी मोर, हम प्रोसीजरल रूल्स बना सकते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया, सो जो एनसीबीसी एक्ट है 1993 का, जो बहुत लिमिटेड स्कोप देता है, हम उसे रिपील कर सकते हैं। इसीलिए इसके साथ साथ एक एनसीबीसी रिपील बिल भी पास होना ही होगा। So, हम ये देखें कि जो एनसीबीसी के प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाएंगे वो क्या क्या लिखे जाएंगे। पांच लोग होंगे इसमें, एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड थ्री अदर मेंबर्स, एंड जो अपॉइंट होंगे बाय प्रेसिडेंट। इनका टेन्योर एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस विल आल्सो बी डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। एनसीबीसी शैल इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल द मैटर्स। आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, एनसीबीसी विल लुक एट all the matters relating to safeguards for socially and educationally backward classes. So, आप ये देखें कि पहले जिसका बहुत एक limited scope था, अब उसका बहुत broad work और उसको powers मिल गई हैं। NCBC to have the powers of civil court, एक बहुत बड़ी बात है कि जब भी वो backward classes का कोई case उसको resolve करना होगा, so it will have the powers of a civil court. NCBC को अपनी एनुअल रिपोर्ट्स प्रेजेंट करनी होंगी प्रेसिडेंट के पास ऑन वर्किंग ऑफ सेफगार्ड्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो पार्लियामेंट में पेश भी की जाएंगी।
जो फर्स्ट चेयरपर्सन थे एनसीबीसी का, क्योंकि एनसीबीसी एग्जिस्ट कर रहा है सिंस 1993, तो जो फर्स्ट चेयरपर्सन थे वो थे जस्टिस रिटायर्ड आर एन प्रसाद। ये पटना हाई कोर्ट में जस्टिस रह चुके हैं एंड मोर ओवर ये चेयरमैन भी रह चुके हैं बिहार स्टेट लीगल एड बोर्ड के, एंड इनकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी आई थी ऑन क्रीमी लेयर इन बैकवर्ड क्लासेस। सो अब देखें कि अब क्या हुआ है। आज से ठीक एक साल पहले 2017 में भी 123rd अमेंडमेंट ये लाई गई थी, यानी लोकसभा में भी पास हो गई थी एंड राज्यसभा में भी पास हो गई थी। हाउएवर राज्यसभा में जब ये पास हुई सो एक बहुत सर्टेन अमेंडमेंट्स के साथ ये पास हुई थी एंड इट वाज सेंट बैक टू लोकसभा फॉर इट्स कंसिडरेशंस। बट ऐसी कुछ अमेंडमेंट्स आई कि इट लेड टू काइंड ऑफ टू वर्जन ऑफ द सेम बिल। सो 2017 में ये पास नहीं हो पाया एंड यही लॉजिक था कि 2017 में ये बिल लोकसभा से भी पास हुआ, राज्यसभा से भी पास हुआ, फिर भी लॉ नहीं बन पाया, क्योंकि बिकॉज ये दो काइंड ऑफ डिफरेंट वर्जन्स बन के रह गया था। सो इसको पास कराने का सिर्फ एक नया तरीका यही था कि राज्यसभा की कंसिडरेशंस को मान के या उनके अकॉर्डिंग इसको रीफ्रेम किया जाए एंड फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जाए पार्लियामेंट में। सो 2 अगस्त 2018 को ये लोकसभा में पास कर दिया गया है एंड बहुत बड़ा मेजर सोसाइटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव माना जा रहा है इसको, ताकि इससे बहुत स्पीडी वर्क होएगा, बहुत गवर्नेंस में बहुत बेटर इनिशिएटिव और एफर्ट्स करने का मौका मिलेगा। एक कमेटी आल्सो बनाई गई है जो एग्जामिन करेगी सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। जैसे अगर आप लोगों ने लोकसभा में हमारे मिनिस्टर साहब की स्पीच सुनी होगी सो आपने ये सुना होगा कि एक कमेटी की बहुत जरूरत थी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में भी सब कैटेगराइजेशन करेगी। यही क्रीमी लेयर का भी कंसेप्ट आ जाता है कि वो बैकवर्ड क्लासेस जिन्हें एक्चुअली में यहाँ आने की जरूरत है एंड मोर ओवर सब कैटेगराइजेशन, ताकि और स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन हो सके और बेटर फ्रेमवर्क आ सके। सो इस कमेटी के हेड बनाया गया है जस्टिस जी रोहिणी को। अगर आप लोग करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे दैट शी इज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। जी हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा, दैट शी वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस। द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट वाज लीला सेठ। आप ये नाम याद रख लीजिए, और अगर आपको ये नाम नहीं पता है तो आप प्लीज जानिए इनके बारे में। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस एंड फर्स्ट वुमेन जज वो है लीला सेठ। एंड मोर ओवर लीला सेठ के बारे में एक कमाल की बात और है, दैट शी आल्सो बिकेम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है और वुमेन डेवलपमेंट के लिए इन इंडिया। सो दीज आर द लैंडमार्क्स, दीज आर द आइडल्स। आप ये सब नाम यूज कर सकते हैं अपने इंटरव्यू में। ये सब को बहुत फेमस ट्वीट्स हैं। प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आया है, इंडिया इज एटर्नली ग्रेटफुल टू बाबा साहब अंबेडकर, बी आर अंबेडकर जी। इनकी बहुत फेमस कोट्स हैं, बहुत सारी इनकी फेमस बुक्स हैं। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का राइटर भी माना जाता है एंड ही हैड वर्कड अ लॉट फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ पुअर एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज। सो आप ये देखिए एनडीटीवी की डिटेल्ड कवरेज, द हिंदू का बिजनेस लाइन का आर्टिकल भी है, लोकसभा पासेस बिल टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू एनसीबीसी। यानी एनसीबीसी एज ऑन डेट जिसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, वो सिर्फ एक लॉ बन के रह गया है, वाइल जो एनसीबीसी के पीयर्स हैं शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है 388 एंड 388 ए आर्टिकल में। सो एनसीबीसी को आर्टिकल 388 बी में लिखा जाएगा, ये बिल्कुल एट पार आ जाएगा विद शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये बैकवर्ड क्लासेस के जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे, उनके जितने भी वेलफेयर मेजर्स होंगे, उनको डायरेक्टली केटर अप कर सकता है। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छा है। एंड मोर ओवर 2019 इलेक्शंस के लिए भी ये हमारी कंट्री के लिए भी बहुत अच्छा है एंड 19 इलेक्शंस के लिए भी इसका काफी बड़ा रोल हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अपने कमेंट्स प्लीज बताइए मुझे, सो दैट आई कैन इम्प्रूव आवर वीडियो क्वालिटीज। थैंक यू सो मच।